पानी का सही इस्तेमाल करते हुए दो बार तीन बार नहा लेना बेटर सॉल्यूशन है। और पानी वेस्ट नहीं करना है, तुम ऐसा कोई मेथड डिजाइन करो निकालो कि एक बाल्टी पानी में तुम दिन में तीन बार नहा सको। नॉन यूनिफॉर्म होता है
अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट कंसीडर करता हूं और प्लस 1 रखता हूं तो प्लस 1 को इस सरफेस वाला चार्ज रिपेल करेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 उधर वाला अट्रैक्ट करेगा दोनों जुड़कर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है आधा और आधा 1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डायग्राम पूरा बन गया कैपेसिटर का जो सर्किट सिंबल है उसमें में ट्रांसलेरिटी होनी चाहिए तुम्हें पता है रेजिस्टेंस को जिगजैग लाइन से दिखाते हैं रेफरेंस साइड में तुम चाहो तो बना सकते हो इंडक्टर को कॉइल के फॉर्म में दिखाते हैं और कैपेसिटर को दो पैरेलल लाइंस ऐसे कनेक्ट करके दिखाते हैं जबकि बैटरी में एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी होती है दो है तो एक सेल है और दो से ज्यादा लाइंस है तो ग्रुप ऑफ सेल यानी बैटरी है तुमसे जो गलती होती है वो ये होती है कि तुम कैपेसिटर और बैटरी दोनों का सिंबल जल्दबाजी में एक जैसा बना देते हो तो ध्यान रखना है इसमें दोनों लाइन बराबर है तुमसे एक नंबर में सवाल पूछते हैं वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल बनाओ तो तुम प्रेडिक्शन मोड में जाके प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को एक एरो से ऐसे काट दूं इसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस को अगर मैं इस तरह से बनाकर दिखाऊं दो टर्मिनल तो ये और एक स्लाइडिंग कांटेक्ट जिसको हम कहते हैं जॉकी तीन कांटेक्ट तो इसको बोलते हैं रियोस्टेट अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तीन टर्मिनल होते हैं बोलते हैं रियोस्टेट ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस तब तुमसे कहा जाए वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल बनाओ एक नंबर मिलेगा उसके लिए तो वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल सिंपल है ये जो कैपेसिटर का सिंबल है इसको एक एरो से काट दो तो क्या हो गया वेरिएबल कैपेसिटर कहां काम आता है ट्यूनिंग में काम आता है कल तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था दोबारा रिवाइज कर लेता हूं क्योंकि आगे चार चक्कर में आएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू 1/2 बाय अंडर रूट ऑफ एलसी तो कैपेसिटी चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके ट्यूनिंग कर सकते हैं रेडियो में और टेलीविजन में तो कैपेसिटी अगर हमें चेंज करनी है तो किसे वैल्यू करना पड़ेगा कैपेसिटी को तो कैसा कैपेसिटर लगाना पड़ेगा वेरिएबल कैसे ये होता है वो सीखेंगे डायग्राम बन गया अगर स्टेट बोर्ड है तो तुम डिस्क्राइब करोगे पूरा इट कंसिस्ट ऑफ टू कनेक्टिंग प्लेट्स लिखते थे थोड़ा सा ओके इट कंसिस्ट ऑफ टू कनेक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर इट कंसिस्ट ऑफ टू कनेक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड parallel to each other at a small distance d placed parallel to each other at a small distance d छोटा d as shown cbse कोड वाले क्या लिखेंगे sab dot dash situation as shown है कभी कभी लिखवा दूंगा बीच में जैसे तुम्हारी आदत बने क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी अब सिचुएशन है दैट शोन इन फिगर हम इसकी कैपेसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वी नो दैट हम जानते हैं जब भी तुम्हें कैपेसिटी पता करनी है तुम कहां से शुरू करोगे सी इक्वल टू क्यू बाय वी अब यहां चार्ट को कैपिटल क्यू से दिखाया तुम्हें कैपिटल क्यू से दिखा क्यू बाय वी इक्वेशन 1 फिर वी हमें नहीं पता यहां हमें ई पता है E को नापते हैं वोल्ट पर मीटर में V को नापते हैं वोल्ट में तो अगर तुम्हें E पता है तुमको V निकालना है तो तुम्हें मीटर से मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं V को लिख सकता हूं E into distance D फिर E की वैल्यू रखते हैं हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 into D फिर तुम्हें पता है सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर टोटल चार्ज Q दिया गया है सरफेस एरिया प्लेट का A है तो सिग्मा होगा Q by A. The expression was sigma d upon epsilon 0 A. This is potential. Sigma mein laga sakte hain Q d upon epsilon 0 A. Ab ye value utha kar hum equation 1 mein rakhte hain aur wo language mein likhna zaruri hai. Now put in this value. Likhte chalo banate chalo. In equation 1, I will add C equal to Q divided by
d upon epsilon 0 a q get cancelled, epsilon 0 a by d. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अगर हमने यूज कर लिया बीच में डायरेक्ट्रिक के लिए,
बहुत ही बारीक माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में उसकी थिकनेस हो सकती है, ऐसे सिचुएशन में कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो तुमसे जेई मेन में सवाल पूछा जाता है व्हिच ऑफ फॉलोइंग कैपेसिटर हैव लार्जेस्ट कैपेसिटी, चार ऑप्शन होते हैं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो तुम्हें हमेशा चुनना है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। निम्न में से कौन से संधारित्र की धारिता अधिकतम है, तो किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, क्योंकि डिस्टेंस कम होती है। तीसरा फैक्टर जो फॉर्मूले में नजर आ रहा है वो क्या है, मीडियम। अगर मैं कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के है तो कैपेसिटी हो जाएगी के टाइम्स, तो तीसरा फैक्टर लिखो के फॉर ए मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के फॉर ए मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के कॉम कैपेसिटी बिकम्स k times, capacity becomes k times, that is I dot E dot, dash लगा के हम लिखेंगे, new capacity C dash equal to k times C, तुम्हें डर लग रहा है नाम हम खा रहा है, डर लग रहा है? डर डरने की निशानी ना हो, जब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा तब तक पढ़ा बेकार। k equal to c dash upon c, इसका दोबारा से नाम रख रहे हैं, दो नाम पहले से जानते हैं, एक नाम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक नाम रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, ये तीसरा नाम इज कॉल्ड स्पेसिफिक इंडक्टिव, क्योंकि कैपेसिटर में इंडक्शन होता है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, तीसरा नाम। तीनों नाम से इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिव इट्स एसआई यूनिट। तो ऐसे सिचुएशन में एक तो तुम्हें पता होना चाहिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो कि बराबर है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r के, जो कि बराबर होती है एप्सिलॉन m / एप्सिलॉन 0, जितने भी रिलेटिव क्वांटिटीज हैं एक्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी सब यूनिटलेस डाइमेंशनलेस है, ये जो डाइमेंशनलेस यूनिटलेस एग्जाम में जानबूझ के पूछते हैं, बच्चा सोचता है हां पूछा है तो कोई यूनिट होगी, जबरदस्ती लेके आता कुछ गलत जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो यूनिटलेस डाइमेंशनलेस। अगर तुमसे पूछा डिफाइन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो याद करो एक इफेक्ट ऑफ मीडियम आर्टिकल पढ़ा था तुमने, तुमने पढ़ा था नया फोर्स f डैश मीडियम इंट्रोड्यूस करने पर f / k, तो k हो जाता है यहां से m / f डैश। दूसरा ये फार्मूला हमारे सामने है इसे एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी, और तीसरा फार्मूला ये है, तीन तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, तीनों क्वांटिटी है कि घर पे मम्मी पापा बोलते चिंटू, स्कूल में नाम है सौरभ, दादी प्यार से बुलाती गोलू, तो तीन नाम हो गए, है एक ही व्यक्ति, तो वही है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जब स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आता है उनसे पूछते हैं तो पूछा स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी डिफाइन करो, तो तुम्हारी डेफिनेशन सटीक होनी चाहिए, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कैपेसिटीज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर एग्जिस्ट मीडियम, गिवन मीडियम बिटवीन इट्स प्लेट्स टू दैट व्हेन देयर एग्जिस्ट एयर और वैक्यूम, सी मतलब जब प्लेट्स के बीच हवा है, सी डैश मतलब जब प्लेट्स के बीच गिवन डायलेक्ट्रिक मीडियम। तुमसे पूछा डिफाइन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, it is defined as ratio of force between the charges when there exist air or vacuum to that when there exist given medium m / f dash. tumse pucha define relative permittivity, it is defined as ratio of absolute permittivity of the medium to the relative to the reference permittivity yani permittivity of air or vacuum, aisa tum language bana lo।
सीबीएसई में पूछा तो तुम्हें छूट दे दी गई है, तुम तीनों में से कोई से भी लिख दो, तीनों में से कुछ भी पूछे इंटरचेंजेबली तीनों डेफिनेशन यूज कर सकते हो। इवन तुम ऐसा लिख सकते हो इट इज गिवन एज k इक्वल टू c डैश बाय c पूरे नंबर, इट इज गिवन एज k इक्वल टू f अपॉन f डैश पूरे नंबर, ऐसा लिख सकते ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे अगर सवाल आता है तो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हमने पढ़ लिया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां से एक बात और जो सीखने की है फोर्स फील्ड फ्लक्स, ये सब 1/k हो जाते हैं, फोर्स फील्ड फ्लक्स पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी मीडियम इंट्रोड्यूस करने का, पर कैपेसिटी अकेली ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो k टाइम्स हो रही, तो एयर या वैक्यूम में कैपेसिटी रहेगी मिनिमम, फिर हम जानते हैं k की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, किसी भी डायलेक्ट्रिक मीडियम को लाएंगे तो 1 से ज्यादा होगी तो कैपेसिटी हमेशा बढ़ेगी। तो किसी गिवन कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी एयर और वैक्यूम में सबसे कम होती है, कोई भी मीडियम लाओगे कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे कम नहीं हो सकता, जितनी एयर और वैक्यूम में उससे कम नहीं हो सकता। फोर्स के लिए उल्टा है, फोर्स जितना एयर और वैक्यूम में उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कैपेसिटी उससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि के फोर्स में डिनोमिनेटर में आ रहा है कैपेसिटी में न्यूमरेटर में आ रहा है ठीक है। ये अटका हुई सारी बॉडी लैंग्वेज हमारी गलत है, सीधे बैठो रीड के अटके सीधे रहो झूलते रहते हो इस टाइम पे झोंके आने का कोई कारण नहीं, गलत इधर सीधे तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन मामला, अगर तुम 8:15 बजे शाम के 8:15 बजे झोंके ले रहे हो इट मींस तुमने बॉडी पर जुर्म किया कुछ जिसका वो इफेक्ट आ रहा है, तो बी अलर्ट, खाना भी लिमिट में खाओ, खाना ज्यादा खा लिया तो नींद आएगी, अगर कोई दवाई अगर खा रखी है तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, जैसे कोई एंटीबायोटिक कुछ ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद नींद आ रही, तो वो सब अवेयरनेस होनी चाहिए तुमको, क्लास में जा रहे हो तो क्लास में किस लिए जा रहे, अगर बीमार है तो हमारी प्रायोरिटी है स्वास्थ्य, आराम करो जब तक ठीक नहीं हो जाता, पढ़ाई होती रहेगी पढ़ाई सेकेंड में, प्रायोरिटी है स्वास्थ्य, वापस लौटो हमने कैपेसिटी पता कर ली, तीन फैक्टर लेंगे, क्या और कोई हिडन फैक्टर है, क्या कंडक्टर की तरह यहाँ पर भी हम c equal to q by v यूज करके बोलें पोटेंशियल डिक्रीज कर दो तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जवाब है नहीं, ये तुम्हें समझना है, कंडक्टर के लिए सही था कि पोटेंशियल घटा दो तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पर कैपेसिटर के लिए बात सही नहीं है क्योंकि कैपेसिटर में पोटेंशियल में चेंज आएगा नहीं, ये फिक्स है सब कुछ, कैपेसिटर में सिर्फ ये तीन फैक्टर है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर, इसको कोरिलेट करो, एक बल्ब है फिलामेंट बल्ब, बन गया बल्ब फिलामेंट लग गया उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया या नाइट्रोजन बढ़ दी, अब अगर तुम वोल्टेज चेंज करते हो या करंट चेंज करते हो तो क्या वो फिलामेंट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, नहीं हो सकता, वैसे ही कैपेसिटर में कैपेसिटी इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल चेंज कर दिया चार्ज चेंज करके हम कैपेसिटी को बढ़ाया घटा नहीं सकते, कंडक्टर की बढ़ा सकते पोटेंशियल डिक्रीज कैपेसिटर की नहीं बढ़ा सकते, या कंप्लीट टाइम का इसलिए तुम्हें पॉइंट बताया उसको ध्यान रखना। अगला डेरिवेशन नेक्स्ट है तीन नंबर में त्रिअंक एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेन कैपेसिटर, expression for capacity of a parallel plate capacitor partially filled ले सकते हो या partially, जो भी शब्द ज्यादा familiar है तुम्हारे लिए partially या partly दोनों का मतलब होता है आंशिक रूप से, expression for capacity of a parallel plate capacitor partly filled with partly filled with dielectric partly filled with dielectric slab 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 of width slab of width t small t छोटा t having comma लगाकर having dielectric constant उसकी width है t और उसका dielectric constant है capital K having dielectric constant capital K test करो इसके लिए हमें कैपेसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है।
अब यहाँ एक जो काम की बात है समझने की, वो पुराना कांसेप्ट रिवीजन का टाइम। एक सवाल मैंने पूछा था पहले तुमसे, जो बोर्ड में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड में आते हैं जवाब बदल लेते हैं, कंपटीशन में आता है जवाब बदल, जवाब बदल जाओ। तुमसे पूछते दो बॉल्स हैं चार हैं और एक दूसरे को रिफाइल कर रही है सर्टेन फोर्स एफ, तुमने बीच में एक प्लास्टिक शीट इंट्रोड्यूस कर दी, नाउ व्हाट विल हैपन, फोर्स विल इंक्रीज, डिग्रीज रिमेन सेम। तो अगर कंपटीशन में जवाब लिखना है तो हमारा जवाब तो रिमेन सेम, पर बोर्ड में जब इसका बात किसी बात का जवाब लिखना है तो हमारा जवाब का डिग्रीज है, क्योंकि बोर्ड में हम ये मानते हैं प्लास्टिक शीट बीच में इंट्रोड्यूस कर दी, जब तक शीट की विड्थ नहीं दी हुई है हम मानते हैं पूरे में प्लास्टिक, प्लास्टिक में एम्बेडेड है बॉल्स, ये मानते हैं। तो मीडियम चेंज हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, आप बैठ के कम हो जाएगा। इसी तरह से अब यहां पर जो तुम्हें लैंग्वेज दी है, तुमको साफ साफ क्लियर कट कह दिया विड्थ टी, यानी बाकी डिस्टेंस डी माइनस टी में क्या रहेगा, हवा। डायग्राम एक प्लेट, दूसरी प्लेट, एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया, दूसरी प्लेट को या तो अर्थ से कनेक्ट किया या फिर माइनस क्यू चार्ज दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी, फॉलो दी साउंड बना दे, चलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बीच में डायलैक्ट्रिक स्लैब बिल्कुल सेंटर में हो, नॉट नेसेसरी किसी एक प्लेट के पास हो तो भी सेम इफेक्ट आएगा, किसी दूसरी प्लेट के पास भी हो सकते हैं, बीच में किसी भी लोकेशन पर हो सकती है, पर इसकी विड्थ थी। और पूरे एरिया में जब एरिया की डिटेल नहीं दी तो हम क्या मानेंगे, ओवरलैपिंग एरिया सेम, प्लेट का एरिया ओवरलैपिंग एरिया सेम। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैप्सूल के, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जो हवा है वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। हवा यहां पर भी क्योंकि हवा है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, पर यहां पर जहां डायलैक्ट्रिक है क्योंकि एफ डैश हो जाता है एफ बाई के, तो ई डैश भी हो जाएगा ई बाई के, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो टाइम्स के डेनोमिनेटर में। बाकी का प्रोसेस एक्जेक्टली सेम, तुम कहां से शुरुआत करोगे फिर से, वी नो दैट, देखो कि वी नो दैट ये पैलेस का आंसर लिख दो ऊपर सिचुएशन में ऐसे होने से का। पहली इक्वेशन आ गया हमारे पास, यहां v जो है पोटेंशियल डिफरेंस है और तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी, तो उसका स्केलर एडिशन होगा, कुछ दूरी हवा में कुछ दूरी मीडियम में, तो इस पोटेंशियल को मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू v इन एयर प्लस v इन मीडियम। मैं बीच में एक स्टेप और इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, हवा में जो पोटेंशियल होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है हवा में मल्टीप्लाइड बाय जितनी डिस्टेंस है हवा में, हवा में डिस्टेंस है दूरी डी माइनस टी, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है और मीडियम में डिस्टेंस है टी। तो हमें पता है हवा में या मीडियम में कॉमन फैक्टर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो मैंने कॉमन लिया, रिमेनिंग इज डी माइनस टी प्लस मीडियम में जो बनता है के टाइम्स है बचेगा टी बाय के। सिग्मा की वैल्यू रखते हैं, सिग्मा है क्यू अपॉन ए बनेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के टाइम्स डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये वैल्यू होगा। तुम कंटिन्यूएशन में आगे स्टेप्स बढ़ा सकते हो, नाउ पुट इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में वैल्यू रखेंगे। एक्सप्रेशन हो गया ये, फाइनल एक्सप्रेशन भी प्रेडिक्टेबल है, you get cancelled epsilon 0 k on d
माइनस टी प्लस टी वाई पार्टली फिल्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी का एक्सप्रेशन है। यहां तक कोई भी डाउट है और जिसके लिए सब कुछ डाउटफुल है उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं, रिपीट द लेक्चर। उसने कुछ ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, पिछला भी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको जनरलाइज करें, जनरल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। मान लो एक डायलेक्ट्रिक स्लैब की बजाय दो तीन चार n डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें तो एक्सप्रेशन कैसे मॉडिफाई होगा? स्टार्ट करोगे नेक्स्ट स्लाइड में लिखोगे इन जनरल, इन जनरल कॉमा if we introduce, if we introduce in general, if we introduce n chota n dielectric slabs, n dielectric slabs of width, unki width kitni hai, of width t1 comma t2 t3 dash dash tn, ye likhne ka tarika t1 t2 t3 up to having dielectric constants, इनके dielectric constants कितने हैं? Having dielectric constants k1, k2, k3 dash dash kn, then thn, then जो capacity का expression होगा वो कैसा होगा? Epsilon zero तो as it is रहेगा, denominator में modification होगा। छोटी क्लास में जब तुम मैथमेटिक्स सीख रहे थे तुम्हें तीन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल सिखाया गया, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और उन दोनों के बीच का मंझला ब्रैकेट, तीनों इस्तेमाल करें। बड़ा ब्रैकेट शुरू, मंझला ब्रैकेट शुरू, डी माइनस टी की जगह टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन, छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट प्लस छोटा ब्रैकेट स्टार्ट, t1 अपॉन k1 प्लस t2 अपॉन k2 प्लस t3 अपॉन k3, श्रद्धा के साथ लिखते जाओ, प्लस tn अपॉन kn, छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। जिनके पास श्रद्धा नहीं है वो लोग क्या करें? समेशन नोटेशन यूज करें, सिग्मा ti, i चेंजेस फ्रॉम 1 टू n, वहां पे सिग्मा टी वाई के i चेंजेस फ्रॉम 1 टू n, तो एक्सप्रेशन ही होगा। सब कुछ सिमेट्रिकल है, तुम देखते हो डेरिवेशन भी सिमेट्रिकल है। जब मैं कंडक्टर की कैपेसिटी निकाली थी r बाई k, उसके ठीक बाद हमने एनर्जी स्टोर भी निकाला। हम जानने में इंटरेस्टेड है ये कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तीन नंबर में वो डेरिवेशन आता है जो हम करने वाले हैं। और इसकी काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में पूछा जाने की, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट थ्री मार्क्स, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को तुमने बैटरी से जोड़ा, चार्ज फ्लो होगा क्या? सर्किट बना के देखते हैं क्या सिचुएशन है। सर्किट बना लो साथ साथ में, ये कैपेसिटर का सिंबल है, सर्किट सिंबल। इसको तुमने बैटरी से जोड़ा, बैटरी का सर्किट सिंबल ये, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, की ऑप्शन ले, की लगा दे, सपोज तुमने की के
अगर तुम की ऑन करते हो कैपेसिटर की कैपेसिटी है सी बैटरी का वोल्टेज है वी क्या होगा क्या करंट फ्लो होगा ओपन सर्किट है ओपन सर्किट करंट फ्लो नहीं होना चाहिए पर होता है ये सेटअप है फिजिक्स लैब में जाकर तुम इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यहां अगर तुम्हें कुछ नजर आ रहा है ये कैपेसिटर है ये बैटरी है ये एलईडी इंडिकेटर लगी हुई है बताने के लिए करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा एक सर्किट बना हुआ है बैटरी का कैपेसिटर के साथ सेम सर्किट है बस साथ में एक सीरीज में एलईडी लगा दी दूसरा एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा जिसके थ्रू तो पहले मैं इसको चार्ज करता हूं देखते हैं करंट फ्लो होता है कि नहीं होता क्योंकि बीच में कैपेसिटर दिस इज ओपन सर्किट ऐसा सर्किट है तो ध्यान से देखना यहां इस एलईडी को ये जो एलईडी है ये मैंने टच किया सर्किट कंप्लीट किया जल रही है और इसका ग्लो ग्लो पर गौर करो कम हो गया ठीक है इसको बोलते हैं ऐसी करंट जो स्टेडी स्टेट में जाकर जीरो हो जाएगी इसका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है डीके होता है तो एक्सपोनेंशियल डीके होने वाली ये करंट क्या है चार्जिंग करंट है कैपेसिटर को चार्ज किया जब कैपेसिटर का वोल्टेज वी वोल्ट के बराबर हो जाएगा चार्ज आना बंद करंट फ्लो बंद केवल मोमेंटरी करंट फ्लो होती है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन ट्रांजिएंट करंट करंट ड्यूरिंग ट्रांजिशन अब ये कैपेसिटर बैटरी की तरह काम करेगा अब देखते हैं करंट फ्लो कराता है कि नीचे वाला सर्किट जो है यहां से कंप्लीट होगा और ये एलईडी लगी हुई है कैपेसिटर है ये लोड की तरह रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है एलईडी कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा बैटरी की तरह काम करेगा जल्दी ठीक है ग्लो पर गौर करो कम दोबारा से बताओ चार्ज किया फिर से अभी चार्ज नहीं है इसके बाद अभी डिस्चार्ज हो चार्ज किया कम हो गए एक्सपोनेंशियल दिखे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया सिचुएशन क्या है अगर मैं इसको ग्राफ में बताऊं एक्सपोनेंशियल डिके इतनी करंट शुरू में ज्यादा होती फिर घटते जाते टाइम के साथ एक्स एक्सिस पे टाइम अब डिस्चार्ज कर गए ठीक है हम कांटेक्ट प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं इस वजह से ऐसे यहाँ पे जो वायर है इसका कांटेक्ट प्रॉपर नहीं बन पा रहा इसलिए झपकते हुए दिख रहे तुमको एक्चुअल में ओके दोबारा चार्ज करके बताता हूँ हाँ बारा को मैंने चीव किया मेरा सजेशन मान लिया चार्ज किया हो गया फुली चार्ज करंट ना और अब डिस्चार्ज ठीक है डिस्चार्ज होता है तो ये थी आज की एक्टिविटी यहां पे गौर करो हमें एनर्जी कितनी स्टोर की उसका एक्सप्रेशन निकाला इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों एक्सपोनेंशियली होगी सपोज जब ये फुली चार्ज है इस प्लेट के पास है प्लस क्यू इस प्लेट के पास है माइनस क्यू डी क्यू चार्ज फ्लो कराने में कुछ वर्क करना पड़ेगा हम टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे तो मैं समझता हूं अभी कर लेते हैं ले हो गए कंसीडरिंग एग्जाम में आता है कैलकुलस यूज करनी होती है रिजल्ट निकालने के लिए कंसीडरिंग ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ वी वोल्ट कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ वी वोल्ट As shown. Full stop. Next line. Battery जो charge दे रही है वो V volt पर दे रही है पूरे time. Let inflowing a small charge dQ through the capacitor. Inflowing a small charge dQ through the capacitor. At V volt
in flowing a small charge dq through the capacitor at V volt, work done by the battery. Charge small है तो work done भी small है. dW कितना होगा? तुम जानते हो W होता है charge into potential. Potential है V, charge है dQ, तो dW हो गया V dQ. लिख दो. Mathematical equation एक line में अलग से लिखनी चाहिए. Theory के साथ merge नहीं करना. अगली line में लिखोगे फिर से line में. Now writing the above expression. Now writing the above expression. For the total work done. Writing the above expression for the total work done. Comma, which gets stored in form of potential energy. Which gets stored in form of potential energy will be given as U equal to integration of dW equal to integration of VdQ 0 to W 0 to Q. Limits लगा दें. तुम्हारे सामने same situation है जो thermodynamics में थी. तुम्हारे सामने जब तुम integrate कर रहे थे isothermal process के लिए PdV, दोनों variable temperature और volume. हम क्या करते हैं, एक variable को दूसरे में convert कर potential को लिख दिया हमने QC. Capacity is constant 0 to Q. X dx का integration x square by 2 होता है, तो Q dQ होगा Q square by 2. So what you get? 1 by C constant power Q square by 2 limits 0 to capital Q. और final expression में मिलता है U equal to half Q square by C, जिसको दो और format में हम लिख सकते हैं, half QV, half CV square. ये डेरिवेशन हो गया, इससे आगे की बात कल करेंगे, आज के लिए काफी.